नमस्कार दोस्तों, एक पेशेंट और जुड़े हैं आज हमारे साथ। पेशेंट का नाम है सलमा। गंभीर समस्या थी, किडनी की समस्या थी, क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा था। जानेंगे आज उनकी क्या हाल है, क्या तबीयत है उनकी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम सलमा है, मेरी सिस्टर है बड़ी, और उनका क्रिएटिनिन काफी बढ़ रहा था पहले। तो आपका मैंने यूट्यूब पे देखा तो मेरे को लगा कि आज पास आना चाहिए, तो मैं आया यहाँ पर। तो उस टाइम उनका क्रिएटिनिन जो था 5.99 था। तो विद इन वन मंथ मैंने आपसे वन मंथ का मेडिसिन लिया था, एक महीने के अंदर में उनका क्रिएटिनिन डाउन होकर 4.75 आ गया है। पहले वाली रिपोर्ट दिखाएं जब आए थे तब कितना था उनका क्रिएटिनिन? पहले क्रिएटिनिन था उनका 5.99। 5.99 क्रिएटिनिन था। ये रिपोर्ट की डेट क्या है? रिपोर्ट्स की डेट है 17 अगस्त। दिखाएं सामने, दिखाएं। 17 अगस्त की रिपोर्ट है और इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है वो 5.99 के आसपास है इनका। और अभी आप दोबारा करा चला है ना? जी, अभी की जो रिपोर्ट से ये 21 सितंबर की है और इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है वो 21 सितंबर। हाँ, क्रिएटिनिन कितना है? 4.75। और यूरिया भी काफी रिड्यूस हुआ है इसमें। हाँ, यूरिया इनका पहले रिपोर्ट सामने कर दो। यूरिया पहले इनका 81 था। पहले यूरिया 81 था इनका और काफी रिड्यूस हो गया ये तो, और ये अभी जो हो गया है 49.2। यूरिया भी काफी रिड्यूस, ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया, और क्रिएटिनिन भी एक महीने के अंतराल में क्रिएटिनिन 5.7 है। 4.75 हो गया, 5.99, ऑलमोस्ट 6 से लेकर 4.7 हो चुका है क्रिएटिनिन। यूरिया भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है इनका। तो ये रिपोर्ट, ये टेस्ट आपने कराए हैं, ये लैब का आपको हमने बताया है, आपने खुद? नहीं नहीं, ये तो खुद ही कराते हैं, मेरे जीजा जी हैं वही कराते हैं। अच्छा सर, आपके जीजा जी ने ही ये टेस्ट कराया? हाँ, ये अपने एरिया में कराते हैं। तो सलमा को पहले से भी अच्छा लग रहा होगा, फिजिकली बेटर? ज्यादा मुझे देख के उनको काफी खुशी हो रही है, मतलब बाय फेस और बोलने से चलने से काफी इंप्रूवमेंट है। अब लग नहीं रहा होगा सलमा बीमार है? हाँ, अब बिल्कुल काफी इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा काफी इंप्रूवमेंट है। क्या क्या इंप्रूवमेंट, थोड़ा खुल के बताएंगे। वो जो रात को उनको जो स्वेलिंग वगैरह ज्यादा थी फेस पे, वो कम हो गई है काफी, और जो यूरिन आने में थोड़ी प्रॉब्लम थी वो भी अभी काफी ठीक है, और नींद अभी थोड़ी कम आ रही है, मतलब पहले भी तो ज्यादातर आती नहीं थी मोस्टली, लेकिन अभी थोड़ी आ रही है अभी दिन में, मतलब बहुत इंप्रूवमेंट है ऑलरेडी। एक महीने के अंदर ही बहुत इंप्रूवमेंट? हाँ, एक महीने के अंदर इंप्रूवमेंट। तो आपने यहाँ दिखाया होगा डॉक्टर्स को भी, नेफ्रोलॉजिस्ट को भी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था आपको उस समय? इससे पहले तो एलोपैथी की चल रहा था, तो उनका तो यही कहना था कि वे इसको खत्म तो नहीं कर सकते, स्लो कर सकते हैं बढ़ने से बस। लेकिन बढ़ रहा होगा फिर भी? बढ़ रहा है रेगुलर, जब तकरीबन 4-5 महीने पहले 2 से स्टार्ट हुआ था, तो फिर वो सिक्स तक पहुंच गया था, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि वो डायलिसिस तक की वो बोल दिया था कि आप तैयार हो। अच्छा, क्या एंड में डायलिसिस करानी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं। तो अभी तो काफी डायलिसिस वगैरह सिम्टम्स ही खत्म हो गए कि स्वेलिंग इनको है नहीं। आई होप कि एक महीने में ये रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट बिल्कुल आएगा। अभी एक महीने में काफी अच्छा रिजल्ट है, सिम्टम्स भी डिसअपियर हुए जी। रिपोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली सिम्टम्स भी डिसअपियर हुए हैं। यूरेमिक सिम्टम्स जो आ रहे थे, वॉमिटिंग, नोजिया, स्वेलिंग, रिपोर्ट्स कम हुई साथ साथ यूरेमिक सिम्टम्स कम हुए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, दोनों चीजें रिड्यूस हो रही है, दोनों चीजें इंप्रूव कर रही है। यानी कि क्या हुआ कि किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR है, वो इंप्रूव कर गया। वो इंप्रूव करने से इनका किडनी का फिल्ट्रेशन इंप्रूव हुआ, उससे क्या हुआ कि GFR इंप्रूव करने की वजह से इनका क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ और सिम्टम्स भी रिड्यूस हुए। सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं, दोनों चीजें रिड्यूस हुई है, मतलब किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो गया, GFR इंप्रूव हो गया। आज ये दोबारा सिद्ध हो गया कि GFR को बढ़ाना संभव है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना संभव है। सलमा पेशेंट दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली से हैं कहाँ से? ओल्ड दिल्ली से। ओल्ड दिल्ली, दिल्ली 6 से हैं? दिल्ली 6 सलमा पेशेंट, और पहले आए थे काफी गंभीर समस्याएं थी, और अब जो है काफी अच्छी इंप्रूवमेंट भी इनको नजर आई है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0114264274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।